खबर विदिशा जिले के लटेरी से है, जहां ग्राम रोसिया में आज सरकार की जन कल्याण शिविर योजनाओं के अंतर्गत सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने लटेरी तहसील के ग्राम रोसिया में जन कल्याण शिविर लगाया। इस दौरान शिविर में उन्होंने बलरामपुर, अलीनगर, रुसल्ली और काशी खेड़ा के लोगों की समस्याओं का निराकरण किया और मौके पर हितग्राहियों को हित लाभ प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार का पहला उद्देश्य जन कल्याण का काम करना है। भाजपा की सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए कार्य किया है, इसीलिए हमने समाज के किसी भी वर्ग को विकास से अछूता नहीं छोड़ा है। आज जन कल्याण पर्व मध्य प्रदेश के यशस्वी और प्रभावी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के एक वर्ष का शासन पूर्ण होने के अवसर पर 13 तारीख को हो जाएगा। गीता जयंती से पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव जन कल्याण पर्व के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का कार्यक्रम चल रहा, जिसमें लगभग 65 योजनाओं को चिन्हित करके उनका लाभ दिलाने की कोशिश और ऐसे प्रमाण पत्र, चाहे जन्म प्रमाण पत्रों, मृत्यु प्रमाण पत्रों, अन्य कोई जाति प्रमाण पत्रों, जो जनता के लिए हित के काम है और विकास मूलक है, इस माध्यम से इनका परीक्षण करना और जो वंचित हैं नियमानुसार जिनका काम होना चाहिए उनको करवाना। संपूर्ण प्रशासन तंत्र मिलके, जनप्रतिनिधि मिलके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर यह कार्य कर रहे हैं।